हेलो व्यूवर्स, रचनास क्रिएशन करछी से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रचना और आज ब्यूटी सेक्शन में आज मैं आपको बताऊंगी मार्केट में जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, फेशियल किट होते हैं, उसमें क्या आप ऐसा मिला करके लगाएं जिससे कि उसके केमिकल इफेक्ट्स जो होते हैं ना वो आपके चेहरे पे कम होंगे और आपको नेचुरल ग्लो देगा, क्योंकि आप उसमें नेचुरल चीज़ें मिला करके फेशियल करेंगे। तो ये मैंने मंगाया है VLCC का सलोन सीरीज़ है, ये एंटी टैन फेशियल किट है। इसमें 6 फेशियल किट पूरा सेट आता है। इसका कॉस्ट पड़ता है आपको 500 रुपीज़, यानी 500 रुपीज़ में आप 6 बार फेशियल कर सकते हैं और महीने में 15 दिन पे एक बार किया जाता है। तो आपके लिए ये 3 महीने में आप 500 रुपये में 3 महीने में फेशियल कर सकते हैं 6 बार। तो इसमें टोटल होते हैं 5 अलग अलग तरह के पाउच, 6-6 सेट होते हैं। सारे पाउच के आपको 6-6 सेट मिलेंगे। सबसे पहला सेट है आपका ये स्क्रब का, जो कि किसी भी फेशियल का फर्स्ट स्टेप होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको स्क्रब का बताती हूँ कि इसमें क्या नेचुरल चीज़ मिलाइएगा कि आपका ये जो है ना, इस पर इसके जो केमिकल इफेक्ट्स हैं वो आपको नहीं होंगे और घर में जो नेचुरल फेशियल होता है ना उसका ग्लो आएगा और आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा असर होगा इसका। ये जो स्क्रब है ना, वैसे थोड़ा नेचुरल है क्योंकि ये ओट मिल का है स्क्रब है, जो ओट्स हम खाते हैं ना उसका बनाया हुआ स्क्रब है। तो इसको आपको क्लिंजिंग, इसको करना है चेहरे का क्लिंजिंग। तो इसमें मैंने मिला दिया है गुलाब जल, 1/2 चम्मच गुलाब जल, और इसमें मिक्स करना है। ये बेसिकली स्क्रब का इस्तेमाल हम लोग फेशियल में किस लिए करते हैं, ताकि जो गंदगी है चेहरे की वो साफ हो जाए। स्पेशली जो लोग किचन में काम करते हैं तो स्किन जो है ना किचन के इफेक्ट से रफ हो जाती है, ऑयली हो जाती है, तो स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरा फेशियल नहीं भी करते हैं तो अगर आप स्क्रब भी कर लेते हैं ओट मिल से, और स्क्रब ऐसी चीज़ है जो आप रोज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने मिलाया है गुलाब जल और पानी और स्क्रब तैयार हो गया है। इसको आपको करना है 5 मिनट तक। स्क्रब का क्या प्रोसेस होता है आपको अगर देखना होगा तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको वो भी वीडियो बना दूंगी आपके लिए। बट बेसिकली होता है कि आपको अपने चेहरे पे ये स्क्रब लगाना है और इसको 5 मिनट तक रब करना है, स्पेशली नाक के पास, आंखों के नीचे और होंठ के चारों तरफ, क्योंकि जो भी गंदगी होती है ना वो वहाँ इकट्ठा हो जाती है, और उसके बाद अपने चेहरे को धुल लेना। अब ये दूसरा क्या है, ये दूसरा है मेलावाइट जेल। ये मेलावाइट जेल जो है ना बिल्कुल जेल फॉर्म में निकलता है। इसको ना आपको अपने चेहरे पर 10 मिनट तक हल्के हाथ से गोल गोल और नीचे ऊपर की ओर मालिश करना है। लेकिन इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है क्योंकि ये जो है ना ऑटोमेटिक, ये जेल बहुत ही नेचुरल है और आपके चेहरे के जो पोर्स बंद हो जाते हैं ना उसको खोल देता है। ये तीसरा मैंने डाला है मेलावाइट पाउडर। तो पानी और पाउडर को नॉर्मल उसमें मिक्स किया जाता है, क्योंकि ये मेलावाइट पाउडर जो है ना ये आपके पॉजिटिव पोर्स को खोलता है, और पॉजिटिव पोर्स को खोलने का एक और अच्छा उपाय होता है हल्दी। तो इसमें मैंने मिला दिया है 2 चुटकी हल्दी और 1/2 चम्मच गुलाब जल। तो जब आप मेलावाइट पाउडर में हल्दी और गुलाब जल को मिक्स करके तैयार करते हैं इस पाउडर को, तो जो भी आपके गैल्वेनिक या अल्ट्रासोनिक, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव पोर्स, वो खुल जाते हैं चेहरे की, जो कि ऑयल या डस्ट के कारण बंद हो जाते हैं, और चेहरे की ग्लो जो है ना वो कम होने लगती है और उससे एंटी एजिंग इफेक्ट आने लगते हैं। इसलिए इसमें मैंने हल्दी डाल के इसको तैयार किया। तो ये 100% नेचुरल हो गया है। अब आपको इसको इस्तेमाल करना है 5-7 मिनट के लिए, चेहरे पे इसको लगाना है और मसाज करना है, उसके बाद चेहरा धुल लेना या पोंछ लेना। और फिर ये चौथी चीज़ निकाली, ये है पिस्ता मसाज क्रीम। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है क्योंकि मसाज किसी भी फेशियल का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। तो ये जो ये है ना मसाज क्रीम, इसको आपको 15 मिनट तक हल्के हाथ से इस क्रीम को गोल गोल करके ऊपर से नीचे चेहरे की मालिश करनी है। और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं आपके चेहरे पर, जिस पॉइंट्स को आपको प्रेस करना होता है, जैसे कि नाक के पास, होंठ के दोनों साइड, आंखों के नीचे और एक ललाट पर, उस पॉइंट्स से जो एंटी एजिंग इफेक्ट्स होते हैं ना वो कम होते हैं। तो बेसिक रीज़न मसाज करने का 20 मिनट तक यही कारण होता है। तो इस मसाज क्रीम में आपको क्या मिलाना है जिससे कि एज का इफेक्ट कम हो और ये बिल्कुल नेचुरल हो जाए? तो ये मैंने मिलाया है विटामिन ई की गोली। विटामिन ई ऑयल अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छा, और अगर विटामिन ई की गोली है तो इसमें 1 से 2 गोली का इस्तेमाल करें, क्योंकि विटामिन ई जो होता है ना वो शरीर और चेहरे की स्किन की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। जो रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या पिगमेंटेशंस हो जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं,
उन सबको क्लियर करने का काम करता है विटामिन ई, और स्किन की ग्लो बढ़ाता है। तो इसमें जब मैंने विटामिन ई मिला दिया तो समझिए आपका ये मसाज पैक क्रीम जो है ना ये कंप्लीट हुआ, और इसको 20 मिनट तक आपको पूरा अच्छे से जेंटल मसाज करना है चेहरे पे। अब देखते हैं पांचवा, तो पांचवा है मेलावाइट पैक। ये क्या है, ये जो है ना फेस पैक की तरह होता है, और इसको आपको 15 से 20 मिनट तक लगा करके चेहरे पे छोड़ देना, और उसके बाद इसको भीगे कपड़े से पोंछ देना और चेहरे को सुखा लेना, और अगर हो सके तो आप इसमें भाप लीजिए तो और फायदा करेगा। तो अब ये मैंने पैक निकाल दिया, लेकिन अब इसको हमको नेचुरल बनाना है। तो घर में हम बहुत तरह का फेस पैक बनाते हैं हमेशा, तो चलिए मैं इसको और नेचुरल बना देती हूँ घरेलू तरीके से। इसमें मैंने मिला दिया गुलाब जल, और अब मैं इसमें मिलाऊंगी चंदन पाउडर। अगर आपके पास घर का चंदन पाउडर नहीं है तो आप इसमें मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास चंदन पाउडर है। तो चंदन पाउडर या मुल्तानी मिट्टी लगाने का क्या फायदा होता है, जो भी स्किन में ऑयल होता है ना या मसाज के कारण ऑयली हो जाता है, उसको चंदन पाउडर या फिर मुल्तानी मिट्टी उसको सोख लेता है और पोर्स बड़े अच्छे से खुल जाते हैं। और ये मैंने मिला दिया नेचुरल एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल, चंदन पाउडर और गुलाब जल मिलाया है इसमें, जो कि ये फेस पैक बिल्कुल नेचुरल हो गया है, ताकि आपकी स्किन जो है ना बिल्कुल नेचुरल ग्लो के और लॉन्ग टर्म तक ग्लो करे, ना कि इंस्टेंट ग्लो दे। मार्केट प्रोडक्ट नॉर्मली सिर्फ इंस्टेंट ग्लो पे फोकस होते हैं, जबकि अगर उसमें आप घरेलू चीज़ें मिला देते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिजल्ट देता है, चाहे वो एज का इफेक्ट हो, रिंकल्स हो, पिगमेंटेशन हो, डार्क स्पॉट हो, या फिर स्किन ग्लो हो। तो कैसी लगी आपको ये ब्यूटी टिप, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसको अप्लाई ज़रूर करिएगा। चाहे आप कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदते हो, उसमें कुछ चीज़ें नेचुरल मिला करके करिएगा तो आपको हमेशा नेचुरल ग्लो देगा। तो अगर आपको ये टिप अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी यूनिक टिप्स देखनी होगी तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा फ्री ऑफ।